स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आई टी आई यूट्यूब चैनल पर आई के आए सी ट्रेड थ्योरी के सी टी एग्जामिनेशन क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम लोग करेंगे मॉडल सेट वन एंड इसमें आपके जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का पी है थर्ड का पी आपको शायद मिल नहीं रहा होगा होगा बट उसके भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं इंग्लिश और हिंदी में एंड साथ में फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चंस मिक्स करके रखें जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ऐसे और मॉडल सेट अगर आपको चाहिए तो एक बार आपको वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताना होगा हाँ आपको मॉडल सेट और चाहिए टू एंड थ्री आपके एग्जाम से पहले तो वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे कुछ एग्जामिनेशन में व्यस्तता की वजह से थोड़ा सा कुछ कुछ मॉडल पेपर्स डिले हुए आप सभी के लिए तो उसके लिए सॉरी बट अभी आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पे मिलती रहेंगी आई टी आई सेकंड ईयर में अगर आप है यहां हैं तो यहाँ पे टॉप फिफ्टी एम हमने लिए आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के पी से जो कि आपके एग्जामिनेशन परपज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल पर नए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी सब्सक्राइब करके वेलाइकन को हिट कर लीजिएगा जिससे आपको सभी तरह की अपडेट और इनफॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे एंड वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक व शेयर भी कीजिएगा एंड ऐसी सभी अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर यूज इन आर एसी प्लांट्स यहाँ कह रहा है आर एसी प्लांट्स में किस गैर सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है स्क्रू कंप्रेसर स्क्रॉल कंप्रेसर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर या रेसी प्रोकेटिंग ठीक है तो यहाँ पे वो आपका है गैर सकारात्मक कौन सा है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है जिसका आर ए सी प्लांट्स में यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल कैसे होते हैं नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर की कैटेगरी में आते हैं अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर यहाँ पे व्हिच कंप्रेसर हैज़ द लीस्ट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यहाँ कह रहा है किस कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक जो आयतनिक होती है ना वॉल्यूमेट्रिक दक्षता सबसे कम है स्क्रू कंप्रेसर की स्क्रॉल कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ध्यान दीजिए जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है आपका इसकी यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक दक्षता वॉल्यूमेट्रिक एफिशियंसी सबसे कम होती है अगले क्वेश्चन पे चलेंगे इसके अलावा आपसे यहाँ एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आर ट्रेड थ्योरी की जो प्लेलिस्ट है ना उसमें आपको कुछ मॉडल पेपर सेट वन एंड सेट टू मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम के हैं उन्हें आप लोग जरूर देख लीजिएगा साथ में जो एक दो मॉडल पेपर उनको देख लेना और इसको अगर आप देख के जाते हैं तो आप आर ट्रेड थ्योरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे साथ ही सेकेंड ईयर का आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन ड्राइंग और एम्प्लायबिलिटी स्किल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा उसको आप जरूर देख लीजिएगा इम्प्लायबिलिटी स्किल की जो चार क्वेश्चन का पी है उसी से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उसे भी आप देख के जाइएगा अब यहाँ कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द बेल्ट अलाइनमेंट ऑफ अ कंप्रेसर विद मोटर यहाँ पे कह रहा है मोटर के साथ कंप्रेसर के बेल्ट अलाइनमेंट की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है स्प्रिट लेवल का माइक्रोमीटर का स्ट्रेट एज या वर्नियर कैलिपर ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रेट एज का ठीक है किसका यूज करते हैं स्ट्रेट एज का अगला क्वेश्चन है आपका वाट द पर्पज ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कह रहा है क्लियरेंस वॉल्यूम यानी प्रत्यागामी जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर उसमें जो क्लियरेंस वॉल्यूम है ठीक है उसका उद्देश्य क्या है चार ऑप्शन यहाँ पे प्रिवेंट डैमेज ऑफ पिस्टन एंड वॉल प्लेट यानी पिस्टन और वॉल प्लेट की क्षति को रोकता है कंट्रोल डिस्चार्ज प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर को नियंत्रित करता है फ्री मूवमेंट ऑफ पिस्टन पिस्टन की मुक्त गति या अगला है सिलेंडिकल हेड कूलिंग सिलेंडर हेड की ठंडा करने के लिए ध्यान दीजिए क्लियरेंस वॉल्यूम इसलिए दिया रहता है जिससे आपका जो पिस्टन एंड वॉल प्लेट है वो क्या हो उसके हम डैमेज को उसकी क्षति को रोक सकें तो राइट right आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन है मेटल मेटली यूज टू कोट बिग एंड स्प्लिट बियरिंग ऑफ कनेक्टिंग रॉड इन ओपन टाइप कंप्रेसर कह रहा है एक ओपन टाइप कंप्रेसर में कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरे वाले स्प्लिट बियरिंग को कोट करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है ध्यान दीजिए उसे कोट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका वाइट मेटल ब्रॉन्ज ब्रास या जिंक यानी हम वहाँ यूज करते हैं क्या वाइट मेटल सफेद धातु का प्रयोग करते हैं किसके लिए जो स्प्लिट बियरिंग है उसे कोट करने के लिए बड़े एंड की जो स्प्लिट बियरिंग है उसे क्या करने के लिए कोट करने के लिए ठीक है तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए वाइट मेटल सिक्स नंबर क्वेश्चन यहाँ पे वाट द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट ड्राइव ओवर वेल्ट ड्राइव इन ड्राइव सिस्टम ऑफ कंप्रेसर कह रहा है कंप्रेसर के ड्राइव सिस्टम में बेल्ट ड्राइव की तुलना में डायरेक्ट ड्राइव का क्या फ़ायदा है ध्यान दीजिए बेल्ट ड्राइव की तुलना में डायरेक्ट ड्राइव का सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि उसमें कोई ट्रांसमिशन लॉस नहीं होता है ठीक है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कोई भी ट्रांसमिशन लॉस यानी संचरण की हानि नहीं होगी किसमें डायरेक्ट ड्राइव के केस में ठीक है बेल्ट ड्राइव में आपका क्या होता है ट्रांसमिशन लॉस होता है स्लिप वगैरह आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है अगला क्वेश्चन है हुई ऑपरेशन इज डन टू रिमूव एयर फ्रॉम द सिस्टम एंड चार्जिंग होजेज यूजिंग ई सी यू स्टेशन यहाँ पर कह रहा है कि ई सी यू स्टेशन का उपयोग करके सिस्टम और चार्जिंग होजेज से हवा निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है फ्लसिंग क्लीनिंग पंप डाउन या इवैक्यूएशन तो उसे हम लोग कहते हैं इवैक्यूएशन यानी निकास ठीक है तो ई सी यू स्टेशन का उपयोग करके हम सिस्टम से एंड चार्जिंग होजेज से हवा निकालना जो ऑपरेशन है उसे क्या कहेंगे इवैक्यूएशन कहेंगे निकास या निकासी कहेंगे अगला एट क्वेश्चन है वाई द ड्रेन पैन इज एकेमिलेटेड विद आइस इन कोल्ड स्टोरेज यहाँ कह रहा है कोल्ड स्टोरेज में ड्रेन पैन में बर्फ क्यों जमा हो जाती है ध्यान दीजिए बर्फ़ जमा होने का रीज़न वहाँ पे क्या होगा चार ऑप्शंस फिर आपको मिलेंगे फैन वर्किंग फास्ट पंखा तेजी से चल रहा है डिफेक्टिव हीटर हीटर ही खराब है डिफेक्टिव कंडेंसर दोषपूर्ण है कंडेंसर आपका या थर्मोस्टैट मॉल फंक्शन ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर आपका पैन में ड्रेन पैन में आइस एक्ूमुलेट हो रही थी यानी आपका वहाँ क्या है हीटर जो है वो डिफेक्टिव है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हाउ टू इंश्योर दैट द पंप्स आर वर्किंग प्रॉपरली इन कोल्ड रूम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि पंप जो है कोल्ड रूम में ठीक से काम कर रहा है चेक पावर कंजम्पशन बिजली की खपत की जाँच करेंगे चेक प्रेशर डिफरेंस दबाव अंतर की जाँच करेंगे चेक पैन ह्यूमिडिफायर या अगला है चेक लाइन वोल्टेज लाइन वोल्टेज की जांच करेंगे ध्यान दीजिए पंप अगर आपको देखना है प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं तो आप क्या चेक करेंगे प्रेशर डिफरेंस चेक करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा पंप जो है काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अगला क्वेश्चन है वर द इफेक्ट ऑन कूलिंग कॉइल इफ टेम्परेचर ऑफ कॉल इज लेस देन दैट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर यहां कह रहा है यदि कुंडली का तापमान हवा के उस बिंदु तापमान से कम है तो शीतलन कुंडल जो आपका यहाँ पे क्या है ड्यू पॉइंट है ठीक है उसका यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा ध्यान दीजिए कोलिंग क्वाइल पे उसका प्रभाव क्या पड़ेगा फ्रॉस्ट मेल्टिंग फ्रॉस्ट फार्मिंग मतलब फ्रॉस्ट की फार्मिंग होगी मोर कूलिंग इफेक्ट या लेस वार्मिंग इफेक्ट ध्यान दीजिए ऐसे केस में क्या होगा फ्रॉस्ट फार्मिंग होगी ठीक है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा एलवन्थ नंबर क्वेश्चन है वाट द बेसिस ऑफ रेफ्रिजरेंट सिलेक्शन कह रहा है रेफ्रिजरेंट चयन का आधार क्या होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इकोलॉजिकल कंसिड्रेशन मतलब पारिस्थितिक विचार होना चाहिए स्मेल ऑफ रेफ्रिजरेंट उसकी स्मेल से कलर से या रेफ्रिजरेंट कॉस्ट उसकी कॉस्ट से यानी कितने का आ रहा है वो ध्यान दीजिए रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका इकोलॉजिकल कंसिड्रेशन पे पारिस्थितिक विचार पे उससे जो भी आपका निकले ठीक है रेफ्रिजरेंट जैसे गैसेस और सब निकलती है ना जो कि आपके एटमॉस्फेयर को नुकसान करती हैं तो रेफ्रिजरेंट ऐसा सेलेक्ट करना जो आपके पारिस्थितिक को इकोलॉजी को आसपास के वातावरण को प्रभावित ना करे जीव जंतुओं किसी को भी उससे कोई प्रभाव कम से कम पड़े उसे यहाँ पे क्या कहेंगे सेलेक्शन का बेसिक रखेंगे बेसिस अगला क्वेश्चन है वट द पर्पज ऑफ अलार्म बेल ऑपरेशन इन कोल्ड स्टोरेज कह रहा है कोल्ड स्टोरेज में अलार्म बेल ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है तो अलार्म बेल क्यों लगाते हैं कॉल्स फॉर फायर रेस्क्यू मतलब आग से बचाव के लिए उसके लिए तो फिर इमरजेंसी बेल होती है इन्फॉर्म्स रेफ्रिजरेंट लीकेज रेफ्रिजरेंट रिसाव की सूचना देने के लिए नेक्स्ट है इंडिकेट्स पावर सप्लाई अवेलेबल उपलब्ध बिजली आपूर्ति को इंगित करने के लिए या अगला है इंडिकेशन टू रेस्क्यू ट्रैप्ड पर्सन ध्यान दीजिए जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसमें अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है तो उनको बचाने के लिए वहाँ पर अलार्म बेल दिया जाता है कि अगर ऐसा कोई फंस जाता है तो आप क्या करें उस बेल को दबा देंगे तो आपका एटलीस्ट रेस्क्यू कर लिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टीन नंबर हाउ द ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग इज कैरीड आउट फास्ट यहाँ कह रहा है स्वचालित डिफ्रास्टिंग तेजी से कैसे की जाती है तो ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग अगर आपको तेजी से करना है तो आप क्या करेंगे एयर एंड वाटर मतलब हवा और पानी से करेंगे अगला वाटर एंड स्प्रे पंप पानी और स्प्रे की पंप से नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर एंड टाइमर तो यही यहाँ पे आपका राइट right आंसर है कि इलेक्ट्रिक हीटर और टाइमर की मदद मतलब से हम क्या कर सकते हैं डीफ्रॉस्टिंग कर सकते हैं ऑटोमेटिकली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 14 नंबर विच इज द लो बैक प्रेशर सिस्टम यहां पे कह रहा है लो बैक प्रेशर सिस्टम कौन सा है बेवरेज डिस्पेंसर मतलब पेय पदार्थ डिस्पेंस करने वाला फूड कूलर फ्रीजर या चिलर ध्यान दीजिए बैक प्रेशर लो बैक प्रेशर सिस्टम यहाँ पे आपका क्या है फ्रीजर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हुई रेफ्रिजरेंट इज ओजोन फ्रेंडली यूज इन कोल्ड स्टोरेज ध्यान दीजिए यहाँ कह रहा है ऐसा कौन सा रेफ्रिजरेंट है कोल्ड स्टोरेज में प्रयोग होने वाला जो ओजोन के अनुकूल अनुकूल है ठीक है सी एफ सी एलेवन सी एफ़ सी ट्वेल्व एच सी एफ़ सी ट्वेंटी टू या एन एच थ्री ध्यान दीजिए ये आपके ऊपर के जितने हैं ना सी एफ सी सी एफ सी ट्वेल्व एच सी एफ सी ये सब क्या करते हैं यहाँ पे ओजोन फ्रेंडली नहीं है बट आपका जो एन थ्री है वो क्या है ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट माना जाता है अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वॉल्व इज यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज प्लांट कह रहा है कोल्ड स्टोरेज प्लांट में किस प्रकार का विद्युत संचालित वॉल्व उपयोग किया जाता है किंग वॉल्व सर्विस वॉल्व बटरफ्लाई वॉल्व या सोलनाइड वॉल्व ध्यान दीजिए राइट आंसर आपका सोलिनइड वॉल्व ऑप्शन नंबर डी यही आपका इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वॉल्व होता है कोल्ड स्टोरेज प्लांट के अंतर्गत अगला क्वेश्चन है सेवनटीन नंबर वाई अमोनिया यूज एज रेफ्रिजरेंट इन एन आइस प्लांट कह रहा है आइस प्लांट में प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग क्यों किया जाता है तो अमोनिया का हम उपयोग क्यों करते हैं नॉन टॉक्सिक होने की वजह से हाई लेट हीट उच्च गुप्त उष्मा होने से लो लेटेंट हीट या हाई बॉयलिंग पॉइंट ध्यान दीजिए हम उसे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी गुप्त ऊष्मा बहुत हाई है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा इसीलिए हम रेफ्रिजरेंट के तौर पर आइस प्लांट में अमोनिया का प्रयोग करते हैं अगला क्वेश्चन है वाट द यूज ऑफ ऑक्सीऐसीडलीन गैस इन रेट्रो फिटिंग प्रोसेस यहाँ कह रहा है रेट्रो फिटिंग प्रोसेस में ऑक्सीएसिट्लिन गैस का क्या उपयोग है तो ऑक्सीएसिट्लिन गैस से आप वेल्डिंग करते हैं या ब्रेजिंग कर सकते हैं जो टॉर्च ब्रेजिंग होती है ना वो भी आप ऑक्सीएसिट्लिन गैस से कर सकते हैं तो यही यहाँ पे राइट आंसर है ब्रेजिंग कॉपर ट्यूब जो कॉपर ट्यूब्स से उनको जो ब्रेजिंग करनी होती है ना उसे यहाँ पर ऑक्सीएसिटलिन गैस का उपयोग करके करते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वाट द एडवांटेज ऑफ ब्लॉक आइस ओवर फ्लेक आइस यहाँ कह रहा है ब्लॉक जो आइस के ब्लॉक्स होते हैं ना वो फ्लेक्स के ऊपर उनका क्या एडवांटेज है क्या फ़ायदा वो आपको बताना है यहाँ परतदार बर्फ की तुलना में ब्लॉक बर्फ का क्या लाभ है लेस वेट होता निकमोजन होगा प्रिसाइज से सटीक आकार होगा इजी टू हैंडल संभालने में आसान होगा या लॉन्गिविटी इन स्टोरेज भंडारण में ज़्यादा दिन रखा रहेगा तो ब्लॉक आइस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भंडारण में लंबे समय तक वो टिका रहेगा बिना अगले ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे सही है अगला क्वेश्चन है वेयर द लिक्विड अमोनिया इज स्टोर्ड इन एन आइस प्लांट बर्फ संयंत्र में अमोनिया तरल कहां संग्रहित होता है तो अमोनिया कहां संग्रहित होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर यानी कंटेनर वेसल लिक्विड रिसीवर या कूलिंग टावर में तो अमोनिया जो है आपका वो आइस प्लांट में लिक्विड रिसीवर जो होता है ना उसमें स्टोर्ड रहता उसी में स्टोर हुआ रहता है ऑप्शन नंबर सी आपका सही है अगला क्वेश्चन है 21 नंबर यहां पे द लाइन वोल्टेज ऑफ अ थ्री फेज सप्लाई पिछली बार पूछा गया था प्रश्न थ्री फेज सप्लाई यूज्ड इन आइस प्लांट कह रहा है बर्फ संयंत्र में उपयोग की जाने वाली तीन चरण आपूर्ति का लाइन वोल्टेज क्या है तो थ्री फेज सप्लाई का लाइन वोल्टेज क्या रहता है चार वोल्ट एसी ऑप्शन नंबर सी है चार वोल्ट एसी बाईसवां क्वेश्चन यहां पर हुइज डिफेक्टिव कंपोनेंट कॉजेज फ्रॉस्टिंग ऑफ वाटर इन वाटर कूलर कह रहा है कौन सा दोषपूर्ण घटक वाटर कूलर में पानी के जमने का ठीक है फ्रॉस्टिंग होने का कारण बनता है ओवरलोड प्रोटेक्टर थर्मोस्टैट रिले या कंप्रेसर ध्यान दीजिए जो थर्मोस्टैट है आपका यही वहाँ पे वाटर कूलर में अगर दोषपूर्ण होता है तो फिर पानी जमने का रीजन बनता है अगला क्वेश्चन है वर्ड द पर्पज ऑफ ब्लीड ऑफ़ वाटर इन कूलिंग टावर यहाँ कह रहा है कूलिंग टावर में ब्लीड ऑफ वाटर का क्या उद्देश्य है तो यहाँ पे ब्लीड ऑफ़ का मतलब होता है क्या उसका मतलब होता है रिड्यूस स्केल डिपॉजिट ठीक है तो यहाँ पे जो ब्लीड ऑफ़ है वाटर का कूलिंग टावर में वो किस लिए है उसका पर्पज़ क्या है उसका पर्पज़ है रिड्यूस स्केल डिपॉजिट स्केल जो है ना उसको कम जमा करें यही वहाँ पर उसका क्या है पर्पज है नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ कूलिंग टावर इज सुटेबल फॉर इंडोर इंस्टॉलेशन कह रहा है किस प्रकार का कूलिंग टावर इंडोर इंस्टॉलेशन के लिए उपयुक्त है फोर्स नेचुरल ड्राफ्ट एफ आर पी नेल ड्राफ्ट वुडेन या नेचुरल ड्राफ्ट कंक्रीट ध्यान दीजिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए फोर्स ड्राफ्ट ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे विच वॉल बी यूज टू मॉडुलेट द रेफ्रिजरेंट फीड अकॉर्डिंग टू लोड रिक्वायरमेंट कह रहा है लोड आवश्यकता के अनुसार रेफ्रिजरेंट फीड को मॉड्यूलेट करने के लिए किस वॉल्व का उपयोग किया जाता है चार ऑप्शंस मिल जाएंगे सोलनाइड वॉल्व ठीक है अगला मैनीफोल्ड वॉल्व नेक्स्ट है प्रेशर रिलीफ वॉल्व या डी है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंसन वॉल्व ये पोर्सन आप लोग यहाँ पे मत देखिएगा क्योंकि आपका जो पेपर था ना ये आपका था इंग्लिश एंड मराठी में इंग्लिश हिंदी हमने आपके लिए यहाँ पे किया है अलग से थर्ड सेमेस्टर तब यहाँ पे हम आपके लिए बना रहे हैं काफ़ी इसमें टाइम लग जाता है तो उसके लिए एक वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं यहाँ राइट आंसर है रेफ्रिजरेंट फीड को मॉड्यूलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंसन वॉल्व का किसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंसन वॉल्व का नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे द टाइप ऑफ ड्रायर यूज विद एच सिस्टम अब यहाँ कह रहा है एच सिस्टम में ठीक है ड्रायर का प्रकार क्या होता है तो एच प्रणाली में आपका जो यहाँ पे ड्रायर प्रयुक्त होता है वो आपका होता है मॉलिक्यूलर सीव टाइप का आणविक चलनी प्रकार का जो ड्रायर है वो यहाँ पे प्रयुक्त किया जाता है अगला क्वेश्चन है हुई प्रोसेस कन्वर्ट्स द सी वाटर इनटू फ्रेश वाटर ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया समुद्र के पानी को मीठे पानी में बदल देती है फ्रेश वाटर में बदल देती है फिल्ट्रेशन है आयनाइजेशन यानी आयनीकरण है क्लोरिनेसन है या डी है तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका आगे आप देखिए यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि हिंदी इंग्लिश में ऑलरेडी हैं आपके पास अगर पी इसका आपके पास नहीं आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ के मैसेज कर दीजिएगा हम वहाँ पर इसको शेयर कर देंगे क्वेश्चन है वर्ड द एक्सपेंसन ऑफ ए ए डी पी का आपको फुल फॉर्म बताना है ए डी पी का फुल फॉर्म होता है अपारेटस ड्यू पॉइंट क्या होता है अपरेटस ड्यू पॉइंट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे फिगर वाले क्वेश्चन भी कई आते हैं आपके विच इज एक्सप्रेस इन द स्केल मार्क्ड एक्स ये स्केल है आपका यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित भाग है वो क्या बताना चाह रहा है एंट्रोपी एन्थेल्पी लेटेंट हीट या सेंसिबल हीट वो क्या बता रहा है यहाँ पे एनथेल्पी बता रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर हवा में नमी की मात्रा नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं बैरोमीटर का मैनोमीटर का हाइग्रोमीटर का या हाइड्रोमीटर का ध्यान दीजिए यहाँ पे हवा में नमी की मात्रा मापने के लिए आपका होता है ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है वॉट द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो डिलीवर्ड इन अ सेंट्री फ्यूगल ब्लोवर एक आपका सेंट्री फ्यूगल ब्लोअर है उसमें जो हवा का बहाव है किस दिशा में होगा पैरल टू द साफ्ट ये तो पॉसिबल नहीं है परपेंडिकुलर टू द साफ्ट साफ्ट के लंबवत ये हो सकता है इंक्लाइंट थ्रो ऑफ एयर वर्टिकली खड़ी हवा के दिशा में तिरछा बहाव या अगला है इंक्लाइंट थ्रो ऑफ एयर हॉर्जेंटली छतिज हवा का तिरछा बहाव राइट right आंसर आपका परपेंडिकुलर टू द साफ्ट जो भी सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल ब्लोर होते हैं उसमें जो आपका हवा का बहाव होता है वो हमेशा साफ्ट के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है अगला क्वेश्चन यहाँ पे हुइच डिवाइस कंट्रोल्स द एयर फ्लो इन डक्टिंग सिस्टम कह रहा डक्टिंग सिस्टम में हवा के बहाव को कौन नियंत्रित करता है ग्रिल डैम्पर रजिस्टर या डिफ्यूजर यहाँ आपका राइट आंसर आएगा डैम्पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन है दो टन एयर कंडीशनर के लिए कंप्रेसर किस क्षमता का होना चाहिए तो दो टन के लिए तो यहां पे कम से कम आपका जो कंप्रेसर रहेगा उसका रहेगा क्षमता 6000 हजार किलो कैलोरी पर आवर कितना रहेगा सिक्स थाउजेंड किलो कैलोरी पर आर. अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विच साइक्रोमीटर यूजेज बैटरी ऑपरेटेड स्मॉल फैन कह रहा है किस साइक्रोमीटर में बैटरी से चलने वाले छोटे पंखे का उपयोग करते हैं सिलिंग साइक्रोमीटर एस, आ, एस्पिरेटिंग साइक्रोमीटर लेबोरेटरी साइक्रोमीटर या एग्जॉस्टिंग साइक्रोमीटर ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है एस्पिरा सॉरी एस्पाइरेटिंग जो साइक्रोमीटर है उसमें यहाँ बैटरी से चलने वाला छोटे से पंखा का उपयोग किया जाता है अगला क्वेश्चन है थर्टी फाइव नंबर हुई पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर रिमूव्स टोबैको स्मोक्स एंड ऑर्डर यहाँ कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर का कौन सा भाग तंबाकू के धुएं और गंध को हटाता है यहाँ पे चार ऑप्शंस मिलेंगे प्री फिल्टर इलेक्ट्रोड्स चारकोल फिल्टर या स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान दीजिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चारकोल इलेक्ट्रिकल फील्ड या चारकोल फिल्टर सॉरी चारकोल फिल्टर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा चारकोल फिल्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे हुई सेफ्टी डिवाइस इज अटैच टू नाइट्रोजन सिलेंडर कह रहा है नाइट्रोजन सिलेंडर से किस सुरक्षा उपकरण से जोड़ा जाता है नाइट्रोजन सिलेंडर को तो नाइट्रोजन सिलेंडर में हम लोग देते हैं टू स्टेज प्रेशर रेगुलेटर क्या देते हैं टू स्टेज प्रेशर रेगुलेटर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है द मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस इन वाटर रिक्वायर्ड बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर ध्यान दीजिए एक वाटर कूल्ड कंडेंसर के इनलेट और आउटलेट के बीच पानी का जो न्यूनतम अंतर है वो कितना होना चाहिए तो वो आपका होना चाहिए मिनिमम पाँच डिग्री सेल्सियस का ठीक है कितने का अंतर होना चाहिए मिनिमम पाँच डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए अगला क्वेश्चन हुई इस थर्मिस्टर इस रजिस्टेंस इक्रीजेज इफ़ द टेम्परेचर इज डिक्रीज ध्यान दीजिए टेम्परेचर अगर घट रहा है तो रजिस्टेंस बढ़ रहा है इसका मतलब वो थर्मिस्टर कैसा है यहाँ पे उसे हम लोग कहेंगे नेगेटिव टेम्परेचर को क्या कहेंगे नेगेटिव टेम्परेचर को या एन कहेंगे उसे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट द पीरियोडिकल चेकिंग फॉर ब्लोअर बेल्ट इन पैकेज एसी एक पैकेज एसी में ब्लोअर बेल्ट की जांच कितने समय में की जाती है तो पैकेज एसी में ब्लोअर बेल्ट की जांच हम लोग करते हैं वीकली यानी साप्ताहिक ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ टू पोजिशन द लिक्विड लाइन वॉल्व टू स्टार्ट द पंप डाउन ऑपरेशन इन स्प्लिट ए सी रहा स्प्लिट ए सी में पंप डाउन ऑपरेशन के समय लिक्विड लाइन वॉल्व की पोजिशन क्या होती है क्लोज यानी बंद ओपन यानी खुला बैक सीटेड यानी पीछे बैठा हुआ या बैक सीट क्रैक बैक सीट का क्रैक होना ध्यान दीजिए यहाँ पे पंप डाउन ऑपरेशन में जो आपका लिक्विड लाइन वॉल्व है उसकी क्या रहता है वहाँ पे क्लोज रहता है बंद रहता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है अविच पैरामीटर ऑफ हीटर एलिमेंट इज इंक्रीज इन ओ एल पी ड्यू टू हॉट कंप्रेसर डोम यहाँ कह रहा है कंप्रेसर डोम के गर्म होने के कारण ओवरलोड प्रोटेक्टर जो है में हीटर एलिमेंट का कौन सा पैरामीटर बढ़ जाता है कौन सा बढ़ जाएगा वोल्टेज रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस या मैग्नेटिक फील्ड ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सा पैरामीटर बढ़ेगा वो बढ़ेगा आपका रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है विच आर ए सी सिस्टम बिलोंग्स टू सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग कंडीसनिंग कहरा कौन सा आर एसी सिस्टम सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग से संबंधित रखता है स्प्लिट ए सी विंडोज ए सी कैसेट ए सी या चिलर प्लांट ए सी जो चिलर प्लांट ए सी है ये आपका यहाँ पे क्या होता है सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग से संबंधित रखता है ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट द पर्पज ऑफ यूजिंग द वाटर कूल्ड कंडेंसर इन इंडस्ट्रियल एसी सी प्लांट कहरा ए एसी प्लांट में वाटर कूल्ड कंडेंसर के अंदर पानी का यहाँ पे पर्पज क्या है उद्देश्य क्या है रिड्यूस द प्रेशर प्रेशर को कम करना इंक्रीज द टेम्परेचर तापमान को कम कर बढ़ाना यहाँ पे कम आ गया गलती से इंक्रीज द टेम्परेचर मतलब तापमान बढ़ाना रिजेक्ट मोर हीट टू वाटर यानी पानी को ज़्यादा हीट देगा वो अगला है एब्जॉर्ब लेस हीट फ्रॉम सिस्टम सिस्टम से कम उसमा लेगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा वाटर कूल कंडेंसर जो है वो ज़्यादा हीट वाटर को क्या कर देगा रिजेक्ट कर दिया करेगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है अगला क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है यहाँ पे विच पार्ट ऑफ वाटर पम्प बिकम्स वर्न फास्ट पानी के पंप का कौन सा भाग है जो सबसे पहले खराब होता है कई बार पूछा गया प्रश्न है ये एंड आपका राइट आंसर यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर डी सॉफ्ट स्लीव जो सॉफ्ट स्लीव है वहाँ पे, ठीक है वही आपका सबसे पहले किसी पंप का खराब होता है अगला क्वेश्चन है हु टाइप ऑफ ए सी सिस्टम इज ऑपरेटेड बाई वी आर वी सिस्टम यहाँ कराए वी आर वी सिस्टम द्वारा किस प्रकार का ए सी सिस्टम चलाया जाता है पैकेज ए सी सेंट्रल प्लांट ए सी मल्टीजोन स्प्लिट ए सी या इनडायरेक्ट ए सी ठीक है वी आर वी सिस्टम अगर आप नहीं जानते वी आर वी का मतलब होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम ठीक है क्या होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम ये एक ट्रेडमार्क है आपका डैक इन इंडस्ट्रीज का ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मल्टी जोन स्प्लिट ए सी सिस्टम द्वारा किस प्रकार का ए सिस्टम चलाया जाता है तो मल्टी जोन स्प्लिट ए जो होते हैं वो आपके इस सिस्टम के द्वारा चलाए जाते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विच रेफ्रिजरेंट इज यूज विद वी आर एफ ए सी सिस्टम कह रहा है वी आर एफ ए सी सिस्टम में कौन सी रेफ्रिजरेंट प्रयोग करते हैं आर एलेवन आर ट्वेल्व आर फाइव जीरो टू आर फोर वन जीरो ए राइट right आंसर आपका यहाँ पे आर फोर वन जीरो ए ठीक है ये वी आर एफ सिस्टम था जिसमें पूछ रहा है वी आर एफ ए सी सिस्टम में कौन सा रेफ्रिजरेंट प्रयोग करते हैं अगला क्वेश्चन है हुई सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज यूज फॉर ह्यूमन कंफर्ट इन चिलर प्लांट ए सी कह रहा है चिलर प्लांट ए सी के अंदर मनुष्य की सुविधा के लिए कौन सा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट प्रयोग करते हैं ब्राइन वाटर अमोनिया एथिलीन सॉरी एथिलीन ग्लाइकॉल ठीक है Brine, water, ammonia, ethylene, sorry, ethylene glycol, तो राइट right आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पे ऑप्शन नंबर बी वाटर यानी पानी अगला क्वेश्चन अड़तालीस नंबर हुई थिकनेस ऑफ पी यू एफ हैज द लीस्ट थर्मल कंडक्टिविटी कह रहा है पी यू एफ की कौन सी मोटाई में थर्मल चालकता सबसे कम है वन इंच टू इंच फोर इंच या थ्री इंच राइट आंसर है फोर इंच ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ ग्लास फाइबर डक्टिंग ग्लास फाइबर डक्टिंग का क्या लाभ है इकोनॉमिकल रहता है ठीक है सस्ता पड़ता है हैवी वेट वजन में थोड़ा भारी रहेगा सेल्फ इंसल्टिंग अगर कुछ आप नहीं हासिल कर पा रहे हैं इन सब से तो आपका आपको खुद की इंसल्ट भी फील होती है अगला है हाई हीट ट्रांसफर ध्यान दीजिए सेल्फ इंसल्ट सॉरी सेल्फ इंसल्टिंग नहीं था इंसुलेटिंग था सॉरी सॉरी हाँ सेल्फ इंसुलेटिंग है यही यहाँ पे राइट right आंसर भी है सॉरी उसको हम सेल्फ इंसल्टिंग वही तो यहाँ पर ग्लास फाइबर डक्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है सेल्फ इंसुलेटिंग नॉट इंसल्टिंग हाँ मिस्टेक सेल्फ इंसुलेटिंग आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हाउ मेनी वाटर ड्रेन लाइंस आर प्रोवाइडेड फॉर ईच इेटर इन अ बस एसी एक बस एसी में प्रत्येक इवापरेटर के लिए पानी की कितनी लाइनें प्रदान की जाती हैं वन टू थ्री और फोर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी टू ठीक है तो ये थे पचास शानदार क्वेश्चन आपके आर एसी टेड थ्योरी के थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों से तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, तो आप अपनी बेहतरीन तैयारी जारी रखिए आने वाले टाइम में और आपको मॉडल पेपर सेट्स जो हैं इस तरह से आर ए सी को देखने को मिल जाएंगे थैंक यू वेरी मच ख्याल रखिएगा अपना वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाइएगा मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में थैंक यू